देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, जैसा भी लगेगा कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है मित्रों। और लाइक इसलिए कीजिएगा क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि हाँ, जो मित्रों मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको मेरी वीडियो पसंद आई। जैसा कि मित्रों आज है 9 जून और 9 जून की मॉर्निंग का दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पे कल जो था यहाँ पे पत्थरे नीचे साइड में लगा हुआ था, लेकिन कल के अगर देखा जाए, कल की बात की जाए, तो यहाँ पे ये वाली जो पत्थर आपको दिख रही है ये बहुत ही अधिक मात्रा में लाया गया है। और ये सारी पतली पतली पत्थर कल की आई हुई हैं। अब यहाँ पे जो कार्य है वो गति और तरीके और तेज तरीके से पकड़ेगा। इधर देखा जाए रैम के साइड का पोर्शन, तो रैम के साइड का पोर्शन आधा से अधिक लगभग कंप्लीट कर लिया गया है, सिर्फ ये वाला पोर्शन बाकी रह गया है। और इधर साइड में लाइट नहीं लगाया जाएगा। और जैसा कि आपको ये सीढ़ियां दिख रही हैं, ये सीढ़ियां बिल्कुल गेटवे ऑफ कॉरिडोर की तरह नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ सीढ़ियों की जो साइज है, जो चढ़ने के लिए आपको चढ़ना पड़ेगा, ये बहुत ऊंचा ऊंचा है, तो इसलिए समस्याएं होंगी। और देखिए ऊपर साइड में भी पत्थर रखा हुआ है, तो अभी मैं आगे नहीं जा सकता, बस मैं आपको यहीं से दिखा देता हूं। और देख सकते हैं पत्थरों को लगाने के लिए यहां पे किस प्रकार से पोल्स लगाए गए हैं। एक बार चलते हैं आगे की तरफ और आगे से नज़ारा दिखाने का प्रयास करते हैं। आज शायद गंगा नहाने का कोई फेस्टिवल है, जिसकी वजह से बहुत काफ़ी आज भीड़ भी है, देखने को भीड़ भी मिल रहा है घाटों पर। जैसा कि अगर मैं नीचे जाऊँ तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी पत्थरें पड़ी हुई हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये बहुत सारा पत्थर पड़ा हुआ होगा। देखिए यहाँ पे काम कल का हुआ है। और ये देखिए है बिरला निवास, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है बिरला निवास, और इसके जस्ट पीछे ही सीवेज पंपिंग स्टेशन बना हुआ है। और ये आपका मणिकर्णिका घाट, यहीं पे शमशान की होली होती है, और मैं उसका वीडियो बनाया हूँ, लेकिन कॉपीराइट भी आ गया था क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़बरदस्त था, जिसकी वजह से कॉपीराइट भी आया था। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मणिकर्णिका घाट पे सुबह सुबह मॉर्निंग में शरीर का दाह संस्कार हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं पत्थरों को किस प्रकार से एकदम लबालब पत्थर भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा अब होगा। तो चलेंगे अब नीचे की तरफ, और जो नीचे का कार्य है, नीचे का जो अपडेट है, वो वीडियो के माध्यम से दिखाने और बतलाने का प्रयास करूँगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जैसा भी जो कुछ भी होगा वो बतलाने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए पूरा नज़ारा है। इधर ये रैंप है और रैंप के जस्ट नीचे ये मणिकर्णिका घाट में इधर साइड पे देखिए पत्थर लगा दिया गया है पूरा। इस वाल पे पत्थर कम्प्लीटली लग चुका है और इधर साइड में अभी बाकी है, जो कि अभी तोड़ा गया है इसको। और ये तोड़ा इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी पत्थरें हैं, इस कॉर्नर पे ये वाली पत्थरें लगेंगी, समझ गए होंगे आप। और देखिए ऊपर भी अभी थोड़ा सा देखिए कल का सिलाब पड़ा था और पटरी वटरी लगा था, तो पटरी वटरी हटा करके अब वहाँ पे यहाँ पर भी पत्थर लगेगा। जिस प्रकार से ये मणिकर्णिका घाट आप देख रहे हैं, इस मणिकर्णिका घाट को पूरी तरीके से रिनोवेट किया गया था। मणिकर्णिका घाट के देखिए मणिकर्णिका घाट इधर है और इधर साइड में खड़ा हूँ मैं, उसके जस्ट बगल साइड में वो दिखलाता हूँ। उधर भी जो सीढ़ियों का काम था उसको बदला गया, उसको चेंज किया गया, तो उसको भी आपको देखना चाहिए। ये आप देख पा रहे होंगे ये मणिकर्णिका घाट, और मणिकर्णिका घाट पे इधर भी दाह संस्कार का काम चल रहा है, और उसके जस्ट बगल इधर साइड में ये जो सीढ़ी था बहुत ओल्ड हो चुका था और खुरदुरा और ख़राब हो चुका था। तो गवर्नमेंट के द्वारा जब ये कॉरिडोर बनाया गया तो इसके साथ ही इसको भी बदला गया, पत्थरों को बदला गया। और देखिए आज गंगा नहान है, जिसकी वजह से कितना खचाखच भीड़ भरा हुआ है। अभी भी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ इधर साइड में देखिए इधर भी पत्थरें अभी लगनी प्रारंभ है, इधर भी लगना बंद नहीं हुआ है। और उधर देख रहा होगा आपको तो ये पूरे पत्थर जो है वे ओल्ड्स हैं, इसका भी साफ सफाई होना चाहिए, क्योंकि अगर ये साफ सुथरा हो जाएगा तो बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा लगेगा। और इधर आपको दिख रहा होगा अभी इधर काम चल रहा है, इधर देखिए पत्थरें अभी बाकी हैं इधर कॉर्नर साइड में, तो ये सब बाकी हैं और ये एक दो दिन में कम्प्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन
इधर की बात करूं तो ये पूरा एकदम पोर्शन कम्प्लीटली कम्प्लीट हो चुका है। आइए एक बार बैक कैमरा से आपको गंगा जी का भी दृश्य दिखाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट पे किस प्रकार से जब शरीर का दाह संस्कार होता है तो यहाँ पे जो बांसें होती हैं, जिन बांसों पे शरीर को लेकर आया जाता है तो बांस यहीं पे छूट जाता है, लेकिन इसकी रोज सफाइयाँ होती हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारी शरीर आते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे गंदगी बना रहता है, तो गवर्नमेंट को और भी यहाँ पे वर्कर्स लगा करके इस घाट को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखना चाहिए। मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं तो यहाँ पे मैं पर डे देखता हूँ, जब यहाँ से कोई जाता है, मतलब सामने से कोई नाव से जाता है तो मणिकर्णिका घाट को बहुत ध्यान से देखता है, क्योंकि तो मणिकर्णिका घाट देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। यहाँ देख सकते हैं ये मणिकर्णिका घाट है, और मणिकर्णिका घाट के एकदम ठीक सामने इधर जो भी मलबा है, इधर लग रहा है कल का ये पोर्शन साफ किया गया है, और इधर सीढ़ियों का काम पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है। तो आइए चलते हैं एक बार ऊपर की तरफ, उधर साइड जाते हैं और उधर से एक बार नज़ारा लेकर रैंप दिखाएंगे आपको और सारा अपडेट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जानवर हैं, जानवरों को भी प्यार करें, जानवरों को मारें ना। तो अब मैं खड़ा हूँ मणिकर्णिका घाट के एकदम ठीक सामने खड़ा हूँ, और मणिकर्णिका घाट के ठीक सामने कुछ मलबा है, तो वहाँ जो मलबा है वो कैसा मलबा है, क्यों रखा गया है, किस लिए रखा गया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन अपने वीडियो के माध्यम से दूंगा। और एक बोट वाला देखिए, पूरा नाव को इतना खतरनाक तरीके से रोटेट किया है, गजब लगा है देखने में। देखिए यहाँ पे, मतलब मैं आपको बताऊँ तो जो नाव वाले होते हैं हरिश्चंद्र घाट से मणिकर्णिका घाट और मणिकर्णिका घाट से हरिश्चंद्र घाट का लोगों को बैठा करके घाटों का दर्शन कराते हैं, इस प्रकार से भी ये घाट बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और गेटवे ऑफ कॉरिडोर का सामने से आप नज़ारा देख सकते हैं कितना भव्य और कितना सुंदर लग रहा है। जब ये रात को ये लाइट सारी बन जाएंगी और गेटवे ऑफ कॉरिडोर के इधर और इधर वाली लाइट जलने लगेंगी तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लगेगा। और बात करूं मैं तो क्या करूं, देखिए जैसा कि आपको ये मट्टी वट्टी भी दिख रहा है ना, ये सारा का सारा मट्टी अभी रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले गेटवे ऑफ कॉरिडोर के जस्ट नीचे वाले पोर्शन पे उधर साइड में बहुत ही काफी मट्टी हुआ करता था, लेकिन उन सारे मट्टी और मलबों को हटा दिया गया, जिसकी वजह से सीढ़ियों के नीचे इतनी काफी सुंदरता बढ़ गई है, जिसे देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इधर बात करूं तो देखिए जो प्लेट्स आपको दिख रही हैं, इन सारी प्लेटों की यूज की गई थी यहाँ जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था दीवारों को बनाने में, और जहाँ जहाँ जैसी जैसी जरूरतें थी। और ये जो आपको पाइप दिख रहा है, ये मशीन है, मिक्सचर मशीन, जो कि सीमेंट बालू गिट्टी को मिलाता है, और इसी मशीन के थ्रू जहाँ जहाँ सिलाब पड़ना था, सिलाब वाले काम पड़ने थे, पिलर बनना था, होल बनना था, तो इसी पाइप के द्वारा मिक्सचर को भेजा गया था। और देखिए अभी भी फिलहाल में सीमेंट की बोरियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और अगर ऐसा आप सोचते हैं कि काम खत्म हो गया है तो अभी भी 1.5 से 2 महीना लग जाएगा सिर्फ नीचे का काम होने में, अप्रॉक्स मान सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा सारा काम। और ये सामने आप देख सकते हैं गंगा जी के, मणिकर्णिका जी के ठीक सामने यहाँ पे नाव कुछ लगे हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये नज़ारा। ये देखिए फॉरेनर्स हैं जो कि फोटो पिक कर रहे हैं, गंगा जी में आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ बहुत ही छोटी नाव है ये, इसमें एक ही आदमी बैठ करके पूरा मतलब घाटों पे घूम सकता है। दो आदमी के लिए अगर इसमें एक आदमी 1 क्विंटल का बैठ गया तो कहानी बन जाएगी। अब जेसीबी फिर से अपना एक काम करना प्रारंभ कर दी है, उसको भी दिखाते हैं आपको। जेसीबी यहाँ अपना मलबा हटाने का काम प्रारंभ कर दिए जहाँ पर भी मैं खड़ा हूँ, कि आप देख पा रहे होंगे ये जेसीबी यहाँ पे खड़ी है, और ये जेसीबी क्या कर रही है, इन मलबों को हटाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दी है। क्योंकि देखिए ये जो मलबा है ना, जब ये कम्प्लीटली यहाँ इन घाटों से हटा दिया जाएगा तब जो गेटवे ऑफ कॉरिडोर गंगा द्वार का नज़ारा होगा उसका लुक एकदम बेहतरीन आएगा। जब इस पूरे मलबे को हटा दिया जाएगा तो एक बार आप खुद भी अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि क्या सुंदर दृश्य लगेगा। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे का दृश्य दिखाते हैं। भाई 9 जून को बहुत ही काफ़ी गर्मी है, और समझ लीजिए कि टेम्परेचर इतना काफ़ी है कि उमस इतना काफ़ी है कि पसीना गजब हो रहा है। और देखिए पूरा अभी जून बाकी है, क्या होता है।
देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे, ये तो बता दिया आपको, ये दिखला भी दिया, थोड़ा सा कॉर्नर जो नीचे साइड में सीढ़ियों का नजारा है आगे बढ़कर के थोड़ा उसको भी दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए जितना आपको सारा मलबा दिख रहा है ये सारा का सारा हटा दिया जाएगा, और ये जो मशीन देखिए यहाँ पे है, मशीन पड़ी हुई जो मिक्सर मशीन है यहाँ पे लगा, इसको भी साफ करके किया गया है क्योंकि इसका जो काम था वो लगभग कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। अब शायद काम इसका खत्म इसलिए हो चुका है क्योंकि पाइप सारा खोल दिया गया है और जहाँ जहाँ सिलाब पड़ना था वो भी पड़ चुका है, तो इस वे में आप कह सकते हो कि ये इसका काम अब खत्म है। और जैसा कि आप देख सकते हो इधर इधर साइड में पूरा पोर्शन नीचे का एकदम साफ कर दिया गया है। अब यहाँ पे नौकायान से आप इजली तरीके से आ सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे नाव को लगा करके बाबा का दर्शन इजली तरीके से सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जा सकते हैं। और ये देखिए उधर साइड पे रैंप बन रहा है, तो जो व्हील चेयर वाले पर्सन्स हैं वो भी इस रैंप के द्वारा ऊपर जा सकेंगे। देखिए ये किनारे किनारे जो मलबा साफ किया गया है, कल का ऊपर लाके इसको रखा गया है, तो अब हम जाएंगे रैंप की तरफ और रैंप का जो कार्य है वो वीडियो में कैप्चर कर आप तक पहुँचाने और आपको दिखलाने का कार्य करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ और आगे का व्यू दिखाने का प्रयास करते हैं। कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको मित्रों कैसी लगती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट का नज़ारा। अभी इधर साइड से जाना पॉसिबल नहीं है, इधर अभी जो मलबा निकाला गया है वो सूखा नहीं है, गीला है। अगर मैं उधर से गया तो समझ रहे हैं ना वॉट लग जाएगी मेरी, तो अभी उधर से मैं नहीं जा सकता हूँ। मलबा अभी कल का निकाला गया है जो कि भींगा है, ये देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे गिट्टी, छोटी वाली गिट्टी है, बालू है, ये सारे मटेरियल्स हैं। और देखिए कल का ये सब जेसीबी के द्वारा यहाँ पे मलबा निकाला गया है। और ये रैम के बाहर का पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ आपको, और श्रद्धालु देखिए यहाँ पे कुछ जा रहे हैं जो कि स्नान करेंगे और फिर बाबा का दर्शन करने जाएंगे। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ और आगे का नज़ारा और व्यू दिखाते हैं। तो फाइनली देखिए मैं यहाँ से इधर से आया और सोचे कि पानी नीचे जा रहा है, अगर नीचे गिर जाता तो क्या होता। सीधे ये पानी जो है ना बहुत ही, इतना ही काफ़ी शुद्ध है ये कि इसमें एकदम तर जाता। ये पानी है सीवेज का पानी जो कि अभी सीवेज पंपिंग स्टेशन पीछे बनाया गया है बट चालू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से गंगा जी में पानी जा रहा है। तो इस प्रकार से पानी बहुत ही। अब बात करूँ मैं रैम की, तो रैम के सामने का ये पोर्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको। और यहाँ पे रैम के सामने इधर बहुत सारी पत्थरें रखी हुई हैं और इधर सीढ़ियों का भी लगभग पूरा तरीके से काम कंप्लीट हो चुका है। और ये पूरा कल किनारे किनारे इधर मलबा हटाया गया, ये कल का अपडेट है जो आज मॉर्निंग में 9 जून को आया हूँ वो दिखा रहा हूँ। और दिखाऊँ तो जैसा कि अभी थोड़ा रैम के पास ऊपर साइड में जाऊँगा तो वहाँ से दिखलाऊँगा, और उधर साइड में सिर्फ कल वहाँ तक पत्थर लगी हुई थी, आज इधर भी पत्थर बढ़ गई है और ऊपर रैम के साइड में उधर पत्थरें बढ़ गई हैं। तो आइए चलेंगे रैम के पास में ही, रैम के नीचे साइड से एक बार रैम का पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे और रैम के अगल बगल का भी नज़ारा आप देख सकते हैं और पानी यहाँ जो फ्लो कर रहा है उसको भी आप देख सकते हैं। ये है नीचे का पोर्शन जो कि आपको दिखलाई दे रहा होगा। अभी जितनी पत्थरें ये सारी की सारी उठ करके ऊपर चली जाएंगी क्योंकि इधर का काम तो कम्प्लीट दिख रहा है मुझे, लेकिन जो ऊपर का काम है वो कंप्लीट नहीं है। तो ये सारे पत्थर, ये जो मोटे वाले पत्थर हैं ये सारे के सारे ऊपर चले जाएंगे और रैम के साइड अब सिर्फ थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, बाकी रह गया ये वाला पोर्शन और ये भी आज या कल तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब एक बार थोड़ा सा आपको रैम के अंदर का दृश्य दिखाते हैं बाहर से ही, जैसा कि आप देख सकते हैं रैम के बाहर से अंदर का दृश्य। और ये अभी अंदर काम चल रहा है जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा सकता, और इसकी जो पूरी लेंथ होगी वो लगभग 60 से 70 फीट अंदर होगी। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लाइट्स है, अंदर लाइट्स है, मतलब अंदर दिन रात काम चल रहा है ऐसा आप सोच सकते हैं, या फिर अंधेरा होने की वजह से अंदर लाइट्स लगाए गए हैं। मैं कल आया था तो कल मुझसे एक मिस्टेक हो गया था, ये व्हील चेयर के लिए ये डायरेक्शन मतलब यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ पे जो ये चम्मच और ये जो बोलते हैं इसको, जो कुछ भी आप समझ लीजिएगा और बतला भी बोल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये अंदर मतलब शॉप्स खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी, तो जिसकी वजह से आप वहाँ से कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं और अंदर सामान को आप कैरी करके ले जा सकते हैं गर्भगृह के गेट से पहले।
तो वहीं पे आप सामान उतार देंगे और ऊपर लिखा हुआ है जो मार्ग डायरेक्शन बतलाया गया है मंदिर परिसर शंकराचार्य महाकालेश्वर भवन, तो ये डायरेक्शंस है। तो आइए कुछ और भी चीजें दिखाते हैं आपको, ले लीजिए। आज लगभग इस पोर्शन को कंप्लीट किया जाएगा जो आपको दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ पे जो पत्थरें रखी हुई हैं बड़ी बड़ी और मोटी मोटी, इसकी वजन लगभग आप बोल सकते हैं 1 क्विंटल 20 किलोग्राम या फिर 150 किलोग्राम का ये पत्थर बोल सकते हैं। और ये जो लगता है हमको ये ऊपर कॉर्नर साइड में लगाया जाएगा, ये सारा पत्थर ये कॉर्नर साइड में ये सारा पत्थर लगाया जाएगा। एक बार मैं आपको रैम का भी नज़ारा दिखा देता हूँ, इधर से चलते टाइम आपको रैम का भी नज़ारा दिखाई देता हूँ। तो ये देखिए रैम्प है, यहाँ आप देख सकते हैं इस रैम्प का नज़ारा। ये लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ ये वाला पोर्शन बाकी है। और इस रैम्प की खूबियत क्या है ये जानने, रैम्प की दीवारों की खूबसूरती क्या है। तो इस रैम्प के दीवारों पे छिद्र यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, छेद है, होल्स है। तो इन सारे होल्स में इटालियन लाइट्स लगाए जाएंगे जो कि बजाज कंपनी द्वारा लगाया जा रहा है। और ये लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। और जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये अंडरग्राउंड वायरिंग हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं हर दिन की तरह आज भी मॉर्निंग में लगातार बाबा का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जा रहे हैं। तो अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे और आगे का दृश्य आपको वीडियो में कैप्चर कर दिखाने का प्रयास करेंगे। और अभी भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे अभी यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, जो भी ये छेद वाले पत्थर हैं ये सारे के सारे इस पर ही लगाए जाएंगे। और ये भैया हमारे ही साइड के हैं, पर डे का पर डे यहाँ पे अपना हमसे मुलाकात और इनसे हमारा मुलाकात हो ही जाता है। थोड़ा जल्दी शूट कर लेते हैं, बहुत तगड़ा धूप है और पसीना इतना तेज हो रहा है भाई कि कुछ कह नहीं सकता और क्या कहूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो हर दिन की तरह जो यहाँ का मलबा लगा हुआ था घाटों पे, वो सारे घाटों से मलबे को हटा दिए गए हैं और अभी फिलहाल में यहाँ कोई भी मलबा नहीं है। जिस प्रकार से इधर साइड से मलबा हटाया गया, उसी प्रकार से इधर से भी सारा का सारा मलबा रिमूव कर दिया जाएगा, जैसा कि आपको दिखने भी लगा होगा। और इसके परत दर परत पोर्शन को काटा जा रहा है। और यहाँ और मैं बात करूँ तो ये वाली आपको मशीन दिख रही है, पूरे जो कॉरिडोर को बनाया गया है, इस पूरे कॉरिडोर को बनाया गया है तो छड़ों को काटने के लिए ये वाली मशीन और वो जो सामने रखी हुई है, ये दोनों मशीन का यूज किया गया है। और अभी भी यहाँ पे बहुत सारी पत्थरें प्रेजेंट हैं जो कि सारी की सारी अभी रैम्प, रैम्प के अंदर बिरला निवास और रैम्प के बीचों बीच में जो सीढ़ियाँ बन रही हैं उन पे अभी लगानी बाकी हैं। तो आइए अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक नाव का थोड़ा शॉट ले रहा था और नाव यहाँ लगी हुई तो बड़ा ही मज़ा और देख कर बड़ा अद्भुत लग रहा है ये नज़ारा। तो आइए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। आप गेटवे ऑफ कॉरिडोर गंगा द्वार और इसके ठीक सामने यहाँ पे एक लाइन से बहुत सारी नाव लग गई हैं। तो यहाँ पे अब श्रद्धालु जो है कि नाव के द्वारा भी आएंगे और यहाँ सीढ़ियों पर उतर करके सीधे अंदर जो है कि दर्शन करने के लिए चले जाएंगे। और यहाँ एक लाइन से आपको दिख रहा होगा यहाँ ग्रेनाइट्स की पत्थरें रखी हुई हैं। अभी ये सारी की सारी पत्थरें यहाँ से कुछ दिन में रिमूव हो जाएंगी और जहाँ जहाँ जैसे जैसे इनकी ज़रूरतें होंगी उसके हिसाब से वहाँ वहाँ उनको ले जाया जाएगा। और बात करूँ मैं तो इधर एक प्लेस है, जब मैं आता हूँ तो यहाँ हमेशा ही पानी थोड़ा बहुत गिरता रहता है और बड़ा आश्चर्य होता हूँ कि पानी आता कहाँ से है। और थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ देखिए यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पहले कभी मलबा हुआ करता था, अब ये सारा का सारा हटा दिया गया है तो मस्त लग रहा है। देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ये पोर्शन कभी इधर मलबा लगा हुआ करता था। तो अभी देखिए वो जो मलबा है जब वो पूरा कम्प्लीटली हटा दिया जाएगा तब इसका जो दिव्य दर्शन होगा वो अलग ही लेवल का होगा। और देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस प्रकार के इटालियन पोल्स लगाए गए हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं। और ये जो भी झंडा आपको दिखाया गया है ये भी ट्रायल के तौर पे लगाया गया है, ये झंडा भी हटाया जाएगा। अब आ गए हैं रैम्प के साइड में जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी स्नान किए थे, थोड़ा उधर का भी आपको दृश्य दिखाता हूँ
और लोग जो कार्य किए हैं, जो गंदा काम किए हैं, उसको भी दिखाता हूँ। लोगों को थोड़ा सा अपने वीडियो के माध्यम से सीख देना चाहता हूँ और आप अपने घरों में बच्चे फैमिलीज को भी एडवाइस दे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी ललिता घाट पशुपतिनाथ जी महाराज के ठीक सामने इस पोर्शन पे खड़ा हूँ और आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी स्नान किए थे इस वाले पोर्शन पे। और अभी मैं इन सीढ़ियों के जस्ट नीचे खड़ा हूँ, तो ये जो लकड़ियाँ आपको दिख रही हैं, ये मणिकर्णिका घाट से आई हुई हैं। मणिकर्णिका घाट आपको दिख रहा होगा, मणिकर्णिका घाट से इधर आया हुआ है और रैंप के जस्ट नीचे और अगल बगल पूरी तरीके से यहाँ मलबा जमा है और बहुत सारा प्लास्टिक का बोतल भी है। तो ये प्लास्टिक का बोतल तो आसमान से आएगा नहीं, जब भी आएगा उन्हीं लोगों के द्वारा आएगा जो यहाँ पे घाटों पे घूमने आते हैं और पीने के बाद जो ये घाटों के किनारे और जगह जगह फेंक दिया करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, एक शिक्षित इंसान हैं और इस प्रकार की आप कुकृत्य कार्य करते हैं तो ये आपके शोभा नहीं देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इधर से भी दिखा रहा हूँ यहाँ, और ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, ये मणिकर्णिका घाट से ये सब लकड़ियाँ आई हुई हैं। तो यहाँ के जो वर्कर्स भाई बंधु हैं वो पर डे ही काम करते हैं और कर रहे होंगे, मैं वो भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो हर दिन एक बड़ी नाव खड़ा हुआ करती थी, आज वो बड़ी गांव यहाँ पे नहीं है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे यहाँ पे बहुत बड़ी नाव है, हर दिन की तरह आज भी दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं रोज भैया लोग ये छन्नी से लेकर के किस प्रकार से जो आप लोग कुकृत्य कार्य करते हैं, बनारस के लोग, बाहर के लोग, इंडिया के लोग, बाहर के लोग जो आते हैं वो जो है कि डब्बा पानी पी पी कर फेंकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं बर्थडे किस प्रकार सफाई होती है, तो साफ सुथरा बनाएं, किस प्रकार से अपने घरों को आप साफ रखते हैं उस तरीके से हर एक प्लेस को साफ रखें, बनारस के, इंडिया के हर एक हिस्टोरिकल प्लेस को साफ सुथरा रखें। और इन सभी चीज़ों में हम सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, और ऐसा आप काम करते हैं तो अपने आप को भी आप शिक्षित वाला पहचान देते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये जो पानी यहाँ पे था, पहले ऐसा नहीं था, चार दिन पहले, अभी यहाँ पानी का जो लेवल यहाँ तक आया है, यहाँ पूरा बालू को काट के हटा दिया गया और बालू को ऐसे समतल डाल दिया गया अंदर, जिसकी वजह से पानी यहाँ तक आ गया और लोग यहाँ पे घाटों के किनारे नहा रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। लेकिन उन सभी से रिक्वेस्ट है जिनको तैरने नहीं आता, वो बिल्कुल भी पानी में ना उतरें, क्योंकि कल अभी बता रहे हैं भैया यहाँ जो बोट मैन है कि कल 3 लोग मरने से बचे हैं। तो जिनको तैरने नहीं आता, भाई क्यों रिस्क लेते हो आप यार, मत रिस्क लो ना, नहीं तो जानते हो आपकी माँ घर में आपका इंतजार कर रही है, आपकी बहन, आपका भाई, आपका पापा, आपके पिताजी। तो यार ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से पूरी फैमिली परेशान हो जाए। और देखिए अभी भी यहाँ थोड़ा वो जो पानी गिर रहा है, ये है पानी सीवेज का, जो कि लीकेज सीवेज पानी है। और यहाँ देखिए आप दशाश्वमेध घाट से, ललिता घाट से होते हुए आप गेटवे ऑफ कॉरिडोर गंगा द्वार पे पहुँच जाएंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पानी किस प्रकार से नीचे गिर रहा है, अभी जब पानी का लेवल ऊपर उठ जाएगा तो आप यहाँ से भी सीढ़ियों से स्नान कर सकते हैं। और ये पशुपतिनाथ जी महाराज का टेम्पल है, देखिए यहाँ पे डस्टबिन लगाया गया है, तो डस्टबिन का यूज करें, चीज़ों को इधर उधर ना फेंकें, जो चीज़ें जहाँ पे फेंकनी चाहिए। देखिए डस्टबिन दो इसलिए लगाया गया है, एक में आप सूखा और एक में गीला कचरा गंदगी डाल सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो पानी गिर रहा है, ये सीवेज का पानी, अभी चलेंगे हम आगे की तरफ और आगे का नज़ारा और दृश्य आपको दिखाएंगे। मॉर्निंग के अभी हो रहे हैं 7:30 और धूप इतना खतरनाक तरीके से लग रहा है जिसको सह पाना पॉसिबल नहीं है, पूरा चेहरा ब्लैक हो रहा है और पूरा हाथ ब्लैक हो रहा है। जैसा कि आप थोड़ा देख सकते हैं मेरा किस प्रकार से जो है कि पसीना पसीना हो गया है। अभी चलेंगे ललिता घाट पर, ललिता घाट का भी आपको एक बार नज़ारा दिखाई देते हैं। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिखलाया गया है, इधर से आप जाएंगे तो यहाँ से आप मंदिर परिसर में महाकालेश्वर भवन, और ये इधर आगे बढ़ेंगे तो इस पथ को बोलते हैं जलाशयन पथ बोलते हैं, और इस घाट को जलाशयन घाट कहते हैं। ये कम्प्लीटली यहाँ बन चुका है, क्या हुआ, एक बार यहाँ से आप नज़ारा देख लीजिए। ये हैं राकेश भाई जो कि बहुत ही शांत और सिंपल नेचर के हैं, और ये जो मशीन है अब इसका भी 2-4-10 दिन जो भी काम होना होगा होगा, उसके बाद ये काम एकदम मशीन एकदम ऐसे ही खड़ा हो जाएगा। और ये देख सकते हैं लोग ललिता घाट से ऐसे होते हुए, इसे बोलते हैं जलाशयन पथ,
और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है बस उधर साइड में कॉर्नर साइड में थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है और पूरी तरीके से यहाँ का काम अब कंप्लीट कर लिया गया है। और यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है ये ललिता घाट है और ललिता घाट के जस्ट इधर की जो वॉल्स हैं इन वॉलों पे जो यहाँ पे वॉल्स पे पत्थरें लगाई गई हैं बस ये वाला पोर्शन बाकी रह गया और कह सकता हूँ कि इसका पूरा काम कंप्लीट हो गया है, सिर्फ 1-2% बाकी होगा इधर साइड में। हम गणेश को जिन पहुँचावे था हमें बंदा ना हमें क्या कहला फिर से बोला कुछ उतना बोल दिया था आप कहना हमके की रस्सी तो के बाद दे हम रस्सी तो बांध बब्बे रस्सी तो बांधो। तो आइए चलते हैं ललिता घाट पे और ललिता घाट का एक लास्ट वाला पोर्शन दिखा लेते हैं आपको जो बाकी है जो दिखाना चाहिए आपको सब तो शूट कर लिया हूँ थोड़ा सा ये भी दिखा दूँ। ये देखिए ललिता घाट भी इधर की जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पूरा पत्थर लगाया जा चुका है और इधर साइड में भी अब ये देखिए इधर साफ हो चुका है एकदम पूरा इसको साफ कर दिया गया है और इधर नीचे का भी साफ कर दिया गया है और ये जो पोल है इस पोल पे चढ़ चढ़ करके इन पत्थरों को देखे ये पूरा साफ किया गया है। धूप बहुत तगड़ा है जो कि सहन नहीं हो रही है मेरे भाइयों। और इधर साइड में देखिए अभी भी कुछ शाम चल रहा है अभी देखिए इन सीढ़ियों को साफ करना बाकी है इस सीढ़ी को और इधर ये पूरा पत्थर एकदम साफ कर दिया गया है। ऊपर देख रहे हैं ऊपर भी काम चल रहा है। और बाबा क्या हाल चाल देखिए इधर ये जो बनाया गया ये नया बनाया गया इस पे पत्थर्स लगाए जाएंगे और यहाँ से पूरा ये एकदम देख सकते हैं पूरा एकदम साफ सुथरा एकदम क्लीन हो चुका है और यहाँ से वो बाहर रैम का नज़ारा जहाँ पे लोग स्नान करके बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पसीना इतना तगड़ा हो रहा है भाई पूरा एकदम चेहरा और हाथे वाते सब एकदम काली पड़ जा रही है बट कोई नहीं करना तो पड़ता है ना थोड़ा सा मेहनत भी ज़रूरी है ज़िंदगी में बिना मेहनत का क्या मिलने वाला। ये देखिए अब इधर साइड का भी जो ये वाला पोर्शन था मतलब अंदर वाला साइड इसमें से ही पूरा मट्टी वट्टी पूरा एकदम साफ सुथरा कर दिया गया है और ऊपर भी चढ़ा नहीं ऊपर मैं कल चढ़ूंगा आज इस पर नहीं चढ़ूंगा और सबसे पहले इधर साइड में ही साफ सुथरा किया गया था। देखिए ऊपर कुछ होता है या फिर नहीं होता है जो कुछ भी होगा वो सारा वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही जैसा भी मेरा वीडियो आपको लगा हो कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। अपना ध्यान रखें जानवरों को प्यार करें जानवरों को सम्मान दें जानवर जो कि प्यार और सम्मान के भूखे होते हैं। अगर किसी जानवर को एक रोटी दे नहीं सकते हो तो जानवरों को मत मारो क्योंकि आप तो अपनी समस्याओं दुख को किसी से कह सकते हो लेकिन जानवर किसी से नहीं कह सकते।